गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बेटा आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश की, क्लास 8 हमारी बुक है इट्स सो हैपेंड। इसका सेकंड चैप्टर चला हुआ था चिल्ड्रन एट वर्क। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने डाल दी थी, नेक्स्ट हम आज डाल रहे हैं। चैप्टर हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, स्पेंड इट ऑन अ ड्रिंक। नेक्स्ट है डोंट थिंक आई डोंट नो, ये ना समझना कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये पूरी की पूरी जगह है या ये स्थान है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, इसलिए बताओ तुम यहाँ क्या करोगे। बिकम रिच, धनी बनोगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके साथ बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू जो थोड़ा सा उसे आगे खिसक गया। स्लाइटली होता खिसकना, थोड़ा सा सरकना। नेक्स्ट है ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिमेस। जो वैल्यू है उसका बहुत उसको भूख लगी हुई थी। पिंचिंग होता है बेटा कचोटना, भूख से उसका पेट है वो कचोट रहा है। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और अपने जो स्टमक है पेट है उसको दबा रहा है। ग्रिमेस होता है बेटा मुंह बनाकर, वो अपने पेट सॉरी वो मुंह बनाकर अपने पेट को प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, क्योंकि उसको भूख है वो कचोट रही है, यानी कि उसको बहुत तेज भूख लगी हुई है। हंग्री आस्क द गर्ल, भूखे हो लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, यहाँ उदास होकर बैठने से या फेस बनाने से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। I can find some if you want, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ सकती हूँ। She picked up her sack, उसने अपना जो sack है बोरी है वो उठाई। And started to walk away, और चल पड़ी। Value stayed on the bench, value है वो bench पर ही बैठा रहा। What should he do, उसे क्या करना चाहिए। Should he follow this girl, क्या उसे लड़की को follow करना चाहिए। Where was she going to take him, वो उसे कहाँ ले जाएगी। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू दी क्राउड, क्राउड होता है भीड़, डिसअपियरिंग होता है बेटा लुप्त होना। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू दी क्राउड, वो भीड़ में लुप्त हो रही थी, मतलब कि वो भीड़ में गुम होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे बहुत जल्दी से निर्णय लेना चाहिए। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने कहा ठीक है, निर्णय लिया उसने। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, और उसे नहीं आइडिया था कि वो कहाँ जाए। ही जम्प्ड अप, वो एकदम से जंप करता है। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे भागा। सी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, और वो लड़की है वो पीछे उसको देख भी नहीं रही थी कि वो कहाँ था। नेक्स्ट बेटा ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वाज लीविंग द स्टेशन, वो उस लड़की को पकड़ रहा था जो स्टेशन को छोड़ रही थी। व्हेन दे गो टू द रोड, जब वे रोड पर पहुंचे सॉरी रोड पर गए। वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड इट फॉर एनीवन, जो व्हीकल्स साधन थे वो तेज गति से आ जा रहे थे और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन, जो स्मोक है और जो डस्ट है धूल है और धुआं है वो चारों तरफ उड़ रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन, स्पिन होता है सिर चकराना, हेड स्पिन होता है बेटा सिर चकराना, और इस कारण उसका सिर है वो चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, उन्होंने बहुत वेट किया, इंतजार किया कि वो इस रास्ते का जो गैप है, मतलब ये रास्ता है क्रॉस करने का जो गैप है वो उन्हें खाली जगह मिले। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू इसमें संकोच कर रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और जो लड़की है वो उसे ड्रैग्ड होता है खींचना, अंत में उसे खींचकर दूसरी साइड ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे थे। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर इसी तरह तुम मिडल में रोड के मिडल में बीच में खड़े रहते यू विल बी
चटनी, तो चटनी बन जाओगे, यानी कि जो व्हीकल्स हैं वो तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएंगे और तुम्हारी चटनी बन जाएगी। नेक्स्ट है वैल्यूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। वैल्यू का जो दिल है वो तेजी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वो क्या कर रहा था, उसने क्या देखा, मुड़कर सेंट्रल स्टेशन देखा और जो बहुत तेज गति से जो ट्रैफिक आ जा रहा था उसको देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। और ये सोच रहा था वो देख के कि ये सब मैनेज हमने कैसे किया इसको रोड को क्रॉस करने में। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम हज साइन बोर्ड्स। वे सड़क के किनारे बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स थे उनके नीचे से चलते गए। वैलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वैलू ने उन पिक्चर्स को देखा, बनियान्स, कार टायर्स, पैंस, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स। एक जो औरत है वो एक बॉक्स को पकड़े हुए। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो वॉट इट मीन्ट। उन बोर्डों पर जो लिखा हुआ था वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए वैल्यू को नहीं समझ आया कि उनका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है द गर्ल टर्न्ड इनटू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ी और चलने लगी। वैलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर दी रेलिंग। वैलू रुका और जो पुल के ऊपर जो लोहे की रेलिंग होती है उसके ऊपर से वो झांका। पिप्ड ओवर होता है बेटा ऊपर से झांकना। अंडर हिम नीचे से दी रोड रैन इनटू दी सिटी। जो रोड है वो सड़क की ओर, सॉरी शहर की ओर जाता है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी हज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और वहां से दूर उसने क्या देखा, हज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, टावर्स हैं और बहुत सारी सड़कें हैं वो देखी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। ये बड़ी बिल्डिंग, बहुत जो बिग बिल्डिंग है ये देख रहे हो जिसके चारों ओर क्या है, वॉल है, दीवार है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर। यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम जल्द ही क्या करोगे, सून विल बी काउंटिंग बार्स। बार्स होता है बेटा जेल की जो सलाखें होती हैं उनको बोलते हैं बार्स, तो तुम इन सलाखों को गिनोगे। द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंटेड एट ए हज बिल्डिंग। ग्रिन होता है मुस्कुराना और पॉइंटेड होता है बेटा इशारा करना। उस लड़की ने मुस्कुराकर उस बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए वैलू को बोला। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। स्क्विंटेड होता है तिरछी नजर से। वैल्यू ने तिरछी नजर से एक जो साइन बोर्ड है उसकी तरफ देखा और क्या था उस पे लिखा हुआ, सेंट्रल जेल। वो रीड किया, पढ़ा। व्हाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों मैंने कुछ गलत किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुम गलत करोगे भी नहीं। जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल। बस तुम पकड़े मत जाना। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर रहता है वो हम अगली वीडियो में करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। आज के लिए तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, आज वाली वीडियो के डिफिकल्ट वर्ड होंगे, तो